जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इज नोट्स क्लिक पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी न्यू एडमिशन 2022-23 की। तो देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट अभी तक जो है एडमिशन नहीं ले पाए हैं किसी भी कारणवश, तो उनके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर अच्छा मौका है दोस्तों। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो ओपन यूनिवर्सिटी है बिलासपुर के द्वारा न्यू एडमिशन के लिए दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिए गए हैं और आपका एडमिशन जो अभी चल रहा है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आप कौन इसके अंतर्गत कौन सा कोर्स कर पाएंगे, तो देखिए आपका जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीलिब, एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएसडब्ल्यू। इसके अलावा दोस्तों आगे और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में नोटिफिकेशन में बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, अभी जो कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर, तो आपका देखिए दोस्तों एप्लीकेशन जो डेट है वो देखिए, लास्ट डेट जो है दोस्तों 28 फरवरी तक 2023 तक जो है आपके पास समय है दोस्तों। आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो कोर्स है दोस्तों वो पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ऑफिशियल साइट की बात करें दोस्तों, तो देखिए ऑफिशियल साइट में यह जो नोटिफिकेशन है वो आपका देखिए 22 नवंबर 2022 की डेट में दोस्तों इसको अपलोड किया गया था। और फिर देखिए दोस्तों, यदि आपकी आपकी एडमिशन डेट की बात करें, तो देखिए यह जो आपका एडमिशन है दोस्तों अब पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो 1 दिसंबर 2022 से यह शुरू हो चुका है। और आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए 28 फरवरी 2023 तक दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोर्स नेम की बात करेंगे, तो देखिए आपके जो स्नातक स्तर में है दोस्तों, उसके लिए आप देखिए बीए, बीकॉम, बीएससी साइंस और बीएससी मैथमेटिक्स, बीबीए, बीलिब एंड आईएससी जो लाइब्रेरी साइंस होते हैं दोस्तों वो, उसके लिए तो इतना जो कोर्स है दोस्तों, आप जो है इसके लिए जो स्नातक लेवल है आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम अर्हता की, यानी आपकी क्वालिफिकेशन की, तो जो बीए के लिए देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, जो कैंडिडेट 12वीं पास है दोस्तों वो जो है अप्लाई कर पाएंगे। फिर बीकॉम के लिए दोस्तों, जो 12वीं पास है दोस्तों कॉमर्स सब्जेक्ट लेके, वो जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर बीएससी साइंस में दोस्तों, जो 12वीं में साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई करते हैं वो जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर जो बीएससी है दोस्तों मैथमेटिक्स, वो 12वीं में जो मैथ्स लेके पढ़ते हैं दोस्तों वो जो अप्लाई कर पाएंगे। फिर बीबीए के लिए देखें दोस्तों, यदि आप कॉमर्स हैं 12वीं में, तो आप जो है अप्लाई करेंगे। फिर देखें दोस्तों बीलिब एंड आईएससी, इसके लिए दोस्तों आप यदि आप कोई भी सब्जेक्ट से यदि आप स्नातक हो, तो आप जो है लाइब्रेरी साइंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, तो आपका स्नातकोत्तर लेवल यानी कि मास्टर डिग्री आपका, तो इसके लिए देखिए आप कौन सा सब्जेक्ट है। एमए में देखिए आप, एमए है जो दोस्तों मास्टर ऑफ आर्ट, उसके लिए आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, और इसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप स्नातक है, तो आप जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। और जो फिर है दोस्तों आपका एमए, फिर एमएससी मैथमेटिक्स, इसके लिए देखिए जो कैंडिडेट इस ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो गणित समूह से पास हो रहे दोस्तों वो जो अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपका एमए शिक्षा, इसके लिए स्नातक दोस्तों जो बीएड है दोस्तों, बीएड के रहते हैं स्नातक, बीएड का ये रहते हैं संबंधित सब्जेक्ट से, वो जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपका एमकॉम, इसके लिए दोस्तों जो स्नातक में आप यदि संबंधित विषय सब्जेक्ट से यदि आप बीकॉम किए हैं, तो वो जो है बीकॉम वाले एमकॉम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों आपका एमएसडब्ल्यू, इसके लिए संबंधित विषय में स्नातक दोस्तों यदि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, यदि आप पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो जो पीजी डिप्लोमा के लिए देखिए यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन योग साइंस में दोस्तों इसके लिए स्नातक वाले अप्लाई करेंगे। फिर पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के दोस्तों वो स्नातक वाले अप्लाई करेंगे। फिर दोस्तों पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दोस्तों, जो पत्रकारिता होता है, उसके लिए स्नातक वाले अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए आपका छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य में पीजी डिप्लोमा के लिए स्नातक वाले अप्लाई करेंगे। फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर के लिए स्नातक वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका देखिए पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ के लिए स्नातक वाले अप्लाई करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर डिप्लोमा की बात करें, तो देखिए यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए देखिए रामचरितमानस में विज्ञान से सामाजिक उत्थान में डिप्लोमा यदि आप करना चाहते हैं, तो एक वर्षीय होता है ये आपका 12वीं के बाद। और फिर आप दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स में सर्टिफिकेट इन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी के होता है दोस्तों, उसके लिए यदि आप बीकॉम में स्नातक हैं, तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे, तो देखिए इसके लिए आप जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो ऑफिशियल साइट है दोस्तों PSSOU.ac.in, इसमें दोस्तों आप विजिट करके इसके लिए आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर पाएंगे।
तो इस तरह से चले दोस्तों, आपको यही जो इन्फॉर्मेशन जो है देनी थी। यदि जो कैंडिडेट अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम एमकॉम एमएससी, तो उसके लिए दोस्तों आप अभी आपके पास समय है, आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की मैं बात करूँ तो आप जो है इसके लिए 1 दिसंबर 2022 से दोस्तों इसके लिए अप्लाई जो है ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसके लिए 28 फरवरी 2023 तक दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के लिए चले इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।